अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों दुआ की वजह से माशाल्लाह से हम सब भी अच्छे हैं। और अम्मी के साथ हम निकल गए मार्केट, क्योंकि हमें खोया लेना था और सीमेंट का सारा सामान लेना था, तो छोटे मोटे सामान भी ले लेते हैं। और से तो हम और मैं और अम्मी निकल गए बाहर मार्केट। चाहे जितना सामान ले लो, लेकिन कुछ ना कुछ बाकी रह जाता है, फिर उसको लेना पड़ता है। फिर उसके बाद हम यहाँ रोशन बाग में लगा था स्टॉल। अच्छा, और ईद की मार्केट लगी हुई थी, नुमाइश लगी थी, तो हम लोगों ने सोचा चलो कुछ सामान भी ले लेंगे और घूम भी लेंगे। तो अम्मी के साथ आ गए थे यहाँ। ये ज़्यादा अच्छा है ना, हरा भी है कहाँ। फिर उसके बाद हम लोगों ने शॉपिंग कर लिया और सारे सामान ले लिए, खोया वगैरह ले लिया। फिर उसके बाद मम्मी के साथ घर वापस आ रहे हैं। तो आज शायद चांद दिख जाए। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं और हालत बिगड़ गई धूप से। तो फ्रेंड्स, अभी गए थे तो ये हम खोया लेने गए थे चौक, तो ये रोशन बाग में मार्केटिंग लगी थी, तो खरीदा था। ये क्लिप है और ये छोटी छोटी सी चोटी में या ऐसे हेयर बैंड की तरह लगा लें बच्चे, ये चोटी में लगा सकते हैं। और ये चूड़ी है और ये है कुछ क्लेचर्स और ये है साइड पिन, तो ये हमने ले लिया था। ये कंघा साथ में इसके, और जब मार्केट गए तो वहाँ से कुछ सामान ले लिए थे, फल फ्रूट्स भी ले लिए थे। और मेरे बेटे को मैंगो बहुत पसंद है, सारे फ्रूट्स में सिर्फ वो मैंगो ही खाता है। और आम का सीज़न भी आ गया है, ताज़े ताज़े आम मिल रहे हैं, तो हमने सोचा इसे फ्रीजर में रख देंगे और आधे का मिल्क शेक बना लेंगे, मैंगो शेक बना लेंगे और आधा उसको दे देंगे खाने के लिए। तो फिर तो फ्रीजर में रख दिया था, ठंडा हो गया है, और फिर उसके बाद मिल्क शेक बनाएंगे इसका। और फिर हम लोगों ने, शाम हो रही थी, तो सोचा मैंने और अम्मी ने सोचा कि चलो चटनी और छोले की चटनी और दही बड़े की मसाला सब रेडी कर ले रहे हैं पहले से ही। और फिर उसके बाद हम लोगों ने जीरा सौंफ और खड़े जो धनिया होती है, लाल मिर्च, इन सभी को अच्छे से फ्राई कर लिया, अच्छे से खुशबू आ गई। फिर उसको दरदरा एकदम बॉर्डर बना लिया और ये हमारा दही बड़े का चटनी भी बनकर रेडी हो गई है, इमली वाली और खट्टी मीठी सी। और ये है मटर की खटाई वाली चटनी, सब हम लोगों ने रेडी कर लिया और इसे डब्बे में भर के अच्छे से रख देंगे। और सारे पहले से सब सामान रेडी कर लो तो सही रहता है, छोटे मोटे सामान, नहीं तो फिर जल्दी जल्दी में एक बार एक दिन फिर हड़बड़ी मच जाती है। और सारे सामने ये सब रेडी कर लिया, छुटर पुटर वाले सामान। फिर उसके बाद अफ्तारी का टाइम हो रहा था, तो हम लोगों ने सोचा चलो जल्दी से अफ्तारी रेडी कर ले। तो हम लोग पकौड़े और पापड़ वगैरह सब फ्राई कर लिए थे, बना लिए थे। फिर उसके बाद सोच, आम भी ठंडा हो गया था और दूध भी ठंडा था फ्रिज में रखा हुआ, तो सोचा ठंडे ठंडे मैंगो शेक बना ले रहे हैं तो सही रहेगा, बच्चे पी लेंगे। और रोज़ा रहो तो या तो शरबत या तो फिर जूस वगैरह रहता तो अच्छा रहता है, और पहले वैसे भी पहले पानी पीना चाहिए। और उसके बाद जल्दी जल्दी सबने बनाया मैंगो शेक, और अफ्तारी का टाइम भी हो रहा था और सोचे कि टाइम से सब बन जाएगा तो ठीक रहेगा, और आखिरी रोज़ा है तो सोच रहे हैं सब अच्छे से। वैसे पहले ऐसे भी 10 मिनट पहले ही सारा अफ्तारी रख देनी चाहिए, दस्तरखान पे सजा देनी चाहिए। और आखिरी रोज़ा है तो और अच्छे से दुआ मांगेंगे और सब लोग अच्छे से
10-15 मिनट पहले ही बैठ जाएंगे। आखिरी रोज़ा है और बहुत ख़राब लग रहा है कि इतनी जल्दी रोज़ा बीत गया, पता ही नहीं चला। और अब ईद आ गई है, तो फटाफट से हम ये मैंगो शेक बना ले रहे हैं और उसके बाद तो फ्रेंड्स हमारा मैंगो शेक रेडी हो गया। और सारे गिलास में इस तरह से निकाल लेंगे और जल्दी से फिर दस्तरखान लगाएंगे। और अफ्तारी का टाइम हो रहा है, और फिर उसके बाद अम्मी ने शिमई बनाया। अम्मी शिमई बना रही थी और असर के टाइम से ही लग गई थी अम्मी, और हम मैं और अम्मी दोनों लोगों ने मिलकर फिर सेवई की मामी सेवई रेडी कर लिया। और चांद अफ्तारी के बाद फिर चांद हम लोगों ने आगे छत पर देखने के लिए, और बहुत ही बड़ा इतनी सारा रोज चांद है तो बड़ा चांद दिख रहा था माशाल्लाह से, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। चारों तरफ रौनक ही रौनक ही रौनक थी और गड्ढे पटाखे सब बज रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि हाँ ईद है। और ये देखिए इतना अच्छा लग रहा है, और बच्चे तो खुशी से उछल रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। कल ईद है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स ये सुबह का व्लॉग है, और रात में हम लोगों ने मेहंदी वगैरह लगाया, और फिर उसके बाद हम लोगों ने वो वीडियो शूट ही नहीं कर पाए। और फिर सुबह दही बड़ा हम लोगों ने बनाया मिल करके, और ये दही बड़ा बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम बनता है, और इसमें चटनी वगैरह डाल के खाओ बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।